स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हाई सिक्योर 4G कैमरास के बारे में, जिसमें एक डोम है और एक बुलेट है। तो डोम का मॉडल नंबर है HFX DV30L3 4G और बुलेट का मॉडल नंबर है HFX TV30L3 4G। ये 3 मेगापिक्सल में दोनों कैमरे हैं और 4G सिम सपोर्ट करते हैं। जल्दी से हम इन कैमरों के भी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही कैमराज में हमें जो है एक पावर अडेप्टर मिलता है, जिसमें काफ़ी लंबी जो है आपकी पावर केबल है और कुछ स्क्रूज मिलते हैं और कुछ एक्सेसरीज मिलती है। और दोनों ही कैमरे जो है अपने लैन पोर्ट के साथ आते हैं। बुलेट में जो है कैमरे के नीचे साइड पे आप देखेंगे, यहीं पे आपका जो है एचडी कार्ड स्लॉट, सिम स्लॉट और रीसेट बटन दिया हुआ है। और डोम में आप देखेंगे इसके ऊपर साइड आपको यहाँ पे जो है सिम स्लॉट, एचडी कार्ड स्लॉट और रीसेट बटन दिया हुआ है इस तरीके से। तो दोस्तों, बुलेट में आपका जो है नीचे वाला जो पॉइंट है वो एचडी कार्ड का है और ऊपर वाला आपका जो है स्लॉट सिम स्लॉट है। तो एचडी कार्ड डालने के लिए जो है आपको इस तरीके से एचडी कार्ड डालना है, इस तरीके से लॉक हो जाएगा आपका एचडी कार्ड। और सिम कार्ड जो है आपको इस तरीके से डालना है। इस तरीके से ही आपका जो है सिम कार्ड भी लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आप डोम में भी डाल सकते हैं। ये ऊपर आपका जो है एसडी कार्ड स्लॉट है और नीचे आपका जो है सिम स्लॉट है। तो एसडी कार्ड आपको जो है इस तरीके से डालना है, इस तरीके से लॉक हो जाएगा। इसको प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। और सिम भी जो है आपको इसी तरीके से डालना है। और सिम भी आपका जो है इसी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो जल्दी से जो है हम डोम कैमरे को कॉन्फ़िगर करते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने कैमरे के अंदर सिम इंसर्ट कर दी है और मेमोरी कार्ड भी लगा दिया है। जल्दी से कैमरे को पावर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कलर्ड LEDs भी हैं, स्टार लाइट कैमरा है। कैमरा इज स्टार्टिंग, प्लीज वेट। एसडी कार्ड डिटेक्टेड, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। लॉन केबल नॉट कनेक्टेड, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिंग। Network connected. Streaming started. तो दोस्तों, जैसे ही आपने कैमरे के अंदर सिम कार्ड डाला, एचडी कार्ड डाला, कैमरे ने सारा आपको जो है स्टेटस बता दिया। एचडी कार्ड डिटेक्टेड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, सिम कार्ड डिटेक्टेड, लैन पोर्ट नॉट कनेक्टेड। तो दोस्तों, मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मोबाइल पे HFX क्लाउड एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो है वाईफाई कैमरा और 4G कैमरा आ गया। यहाँ पे जो आपका QR कोड स्कैन करने के लिए कैमरा आ गया, तो हम 4G कैमरा में क्लिक करते हैं। और क्लाउड ID यहाँ पे जो है, यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं और QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं। तो हम कैमरा एक बार QR कोड स्कैन करके देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे कैमरे का एक नाम दे देंगे हम। तो दोस्तों, भी हमारा कैमरा जो है ऑनलाइन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे कैमरे की जो है पिक्चर क्वालिटी। अभी हम एक बार इस कैमरे को कहीं पे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर क्वालिटी हम चेक करेंगे। यहाँ पे कैमराज के कुछ अदर फंक्शंस हैं, स्नैपशॉट लेने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए मोबाइल पे, एंड स्पीक टू वे टॉक करने के लिए। और मोर सेटिंग पे आप देखेंगे अलार्म, लाइट कंट्रोल। यहाँ से आप जो है कैमरे का प्लेबैक चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है कैमरे को डिजिटल जूम कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारा जो है सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे का कोई पासवर्ड नहीं होता है, यहाँ पे हम कैमरे का एक पासवर्ड देंगे। सपोज़ मैं admin@123 यहाँ पे दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद
इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। और अदर सेटिंग करने के लिए सेटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो है कैमरे की सारी अदर सेटिंग कर सकते हैं। आपको क्लाउड परचेज करना है, यहाँ से परचेज कर सकते हैं क्लाउड। यहाँ से आप कैमरे का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, डिवाइस टाइम सेट कर सकते हैं, फर्मवेयर वर्जन में देखना आपको देख सकते हैं। अलार्म सेटिंग के अंदर जो आप अलार्म ऑन कर सकते हैं, जैसे ही आपका मोशन होगा, आपको मोशन पे अलार्म चाहिए या फिर एआई ह्यूमन डिटेक्शन पे अलार्म चाहिए, वो आप सेटिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग सेटिंग है, आपको कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग चाहिए, इवेंट रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग में ऑडियो चाहिए नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपको कैसी चाहिए, यहाँ से आप सारा कुछ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइट सेटिंग कर सकते हैं, लाइट आपको ऑटो चाहिए, जैसे कोई ह्यूमन हो या मोशन हो तो लाइट आपकी ऑन हो जाए, या कंटिन्यू ऑन चाहिए, या किसी टाइमिंग पे आपको लाइट ऑन चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। डिवाइस वॉल्यूम सेटिंग आपको सेट करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कैमरा रिबूट करना है यहाँ से कर सकते हैं, रीसेट करना है यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।